पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया के सभी देशों को एक विकल्प की आवश्यकता है, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन्स में, आने वाले टाइम में हम लोग अपने जो व्हीकल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, उसको चला सकें। और हाल ही में हमारे देश भारत को इस क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है लिथियम के भंडार की खोज के रूप में। लिथियम इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। हर देश चाहता है कि उसके पास लिथियम का भंडार हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसमें जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हैं, इनमें मेन कंपोनेंट है लिथियम। सोलर पैनल्स बनाने के लिए लिथियम की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बनाने में लिथियम की आवश्यकता होती है, और ग्रीन एनर्जी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए लिथियम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का सलाल कोटली गांव बन गया है दुनिया भर में चर्चा का विषय? क्या यहाँ कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, या यहाँ की धरती सोना उगलने लगी है? जी हाँ, यही हुआ है भारत के जम्मू कश्मीर के सलाल कोटली गांव के साथ। देश में विभिन्न मूल्यवान धातुओं के भंडार खोजने के लिए लगातार प्रयासरत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI को बड़ी सफलता मिली है। खनन मंत्रालय ने गुरुवार यानी 9 फरवरी 2023 को बताया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने जम्मू एवं कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना इलाके में 59,00,000 टन लिथियम संसाधन की पहली बार पुष्टि की है। यह भी बताया गया है कि लिथियम और सोने सहित कुल 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 सोने के हैं और बाकी अन्य धातुओं के हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह कैसी धातु है, कितने समय बाद भारत में लिथियम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, J&K में लिथियम मिलने से J&K को क्या फ़ायदा होगा, लिथियम से क्या प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसकी कीमत क्या है, पहले भारत कहां से इसको आयात करता था, और लिथियम के इतने बड़े भंडार मिलने से भारत की विश्व में स्थिति कितनी मजबूत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि लगभग 26 साल पहले यानी 1997 में GSI ने सर्वे किया था, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर के सलाल में लिथियम के होने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद इस दिशा में कोई और प्रगति नहीं हुई थी। इसमें लिथियम के सबसे बड़े भंडार चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडा, जिम्बाब्वे, ब्राजील और पुर्तगाल में है। भारत में 59,00,000 टन लिथियम के भंडार मिलने के बाद लिथियम प्रोडक्शन में भारत 7वें नंबर पर आ जाएगा। अभी तक लिथियम की 50% प्रोडक्शन USA के 3 देशों अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में ही हो रही थी। अभी तक भारत 96% लिथियम का आयात कर रहा था, जिसमें से 80% हम चाइना से ही इंपोर्ट किया करते थे और बाकी ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य कंट्रीज से। लिथियम सिल्वर कलर की एक चमकदार और नरम धातु होती है। यह इतनी नरम है कि इसे साधारण चाकू से भी काटा जा सकता है और नाखूनों से भी खुरचा जा सकता है। लिथियम पानी के साथ बहुत अधिक रिएक्टिव है। यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बहुत अच्छी संवाहक है। इसकी स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है। यह इतनी रिएक्टिव होती है कि इसको तेल या आर्गन गैस के अंदर रखा जाता है। तेल से निकाले जाने के बाद यह अपना चमकीलापन खो देता है और पहले भूरा और फिर काला दिखने लगता है। आइए जानते हैं लिथियम हमारे लिए इतना उपयोगी और इतना आवश्यक क्यों है। लिथियम का सबसे अधिक उपयोग रिचार्जेबल बैटरीज में किया जाता है। हम लोग एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां मिनरल ऑयल्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है, और इसमें अब अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। साथ ही एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, इसलिए आज के दौर में हर देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रेफरेंस दे रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी में इस्तेमाल होने वाला प्रमुख कंपोनेंट है लिथियम। लिथियम और आयन से बनी बैटरियों में लेड एसिड बैटरियों या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरियों की तुलना में ऊर्जा घनत्व अधिक होता है, इसलिए समान ऊर्जा भंडारण क्षमता को बनाए रखते हुए बैटरी के आकार को दूसरों की तुलना में छोटा बनाना संभव है। दुनिया भर में सरकारों द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर देने के साथ इन वाहनों के निर्माण में लिथियम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
लिथियम का उपयोग नॉन रिचार्जेबल बैटरीज बनाने में किया जाता है, जिनका उपयोग हृदय के पेसमेकर में किया जाता है। लिथियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ल्यूब्रिकेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग तांबा, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुओं की क्षमता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु के रूप में किया जाता है। लिथियम में स्पेसिफिक हीट सब सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका उपयोग गर्मी ट्रांसफ़र करने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। लिथियम मैग्नीशियम का उपयोग कवच यानी आर्मर बनाने के लिए किया जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम और हाई स्पीड ट्रेन बनाने में किया जाता है। लिथियम ऑक्साइड का उपयोग स्पेशल ग्लास और ग्लास सिरेमिक बनाने में किया जाता है। ग्लास को मजबूत बनाने के लिए ग्लास में लिथियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। लिथियम क्लोराइड में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का गुण होता है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम में किया जाता है। लिथियम कार्बोनेट का उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी के रोगियों के उपचार में किया जाता है। लिथियम एस्टिल्यूरेस का उपयोग विटामिन ए के संश्लेषण में किया जाता है। ईंधन और कृत्रिम रबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई जगह लिथियम का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक धातु है और इसके मिलने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास लिथियम का कोई स्रोत नहीं था और हमें इसके आयात के लिए 96% तक दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता था। आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर चलने के लिए लिथियम हमारा बहुत बड़ा सहयोगी होने वाला है, इसलिए भारत के लिए लिथियम का भंडार मिलना बहुत बड़ी बात है। लिथियम टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में शायद ही कोई होगा जिसने लिथियम आयन बैटरी का नाम ना सुना हो। बैटरी से संचालित लगभग हर उपकरण में इन्हीं बैटरियों का उपयोग किया जाता है और इस बैटरी का मूल घटक है लिथियम। लिथियम आयन बैटरियों की क्षमता अधिक होती है और अन्य रासायनिक क्रियाओं पर आधारित बैटरियों की तुलना में इसकी उम्र भी लंबी होती है। लिथियम आयन बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने में मदद मिली है और एक ही चार्ज में 500 से 700 किलोमीटर तक चलने वाली कारें बन पा रही हैं। लिथियम आयन बैटरियों से ही एक चार्ज पर कई दिन चलते रहने वाले मोबाइल फ़ोन बन पाए हैं। अभी भारत अपनी ज़रूरत के लिए लिथियम आयन बैटरियां आयात करता था। फ़ोन्स, लैपटॉप्स या डिजिटल कैमराज में सब में लिथियम बैटरीज का यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में लिथियम प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लाइट मेटल्स को इंपोर्ट करने की डिपेंडेंस तो खत्म होगी ही, साथ ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा बूस्ट आएगा और बैटरीज, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमराज जैसी चीज़ें बनाने में भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के सलाल गाँव के लोगों के अनुसार यह डिस्कवरी उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोज़गार मिलेगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इलाके की डेवलपमेंट होगी, दुनिया में उनके क्षेत्र को जाना जाएगा और ज़िंदगी उनकी और खुशहाल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम के खनन में समय लग सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन के अनुसार किसी भी मिनरल रिसोर्स का खनन शुरू करने के लिए 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें से भारत ने अभी 2 स्टेजेस को ही पार किया है और भारत के पास अभी तक लिथियम को निकालने और प्रोसेस करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी की कमी है। जैसे ही जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इन सब कमियों को दूर करने में सक्षम होगा, वैसे ही यहां से खनन और लिथियम की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।